नंबर 18, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, रोल ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स इन मल्टीपल रिग्रेशन, मॉडल स्पेसिफिकेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इंटरप्रेटिंग द आर स्क्वायर एंड द एडजस्टेड आर स्क्वायर इन प्रैक्टिस। ये तीन बातें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सो थोड़ी सी कंसंट्रेशन रूटीन की वीडियो से ज्यादा चाहिए। इट्स बिट फिलोसॉफिकल और ये बात बहुत ही जरूरी है समझना। अनफॉर्चुनेटली हम जब भी इकोनोमेट्रिक्स करते हैं, जब भी हम सोशल साइंसेस में ये रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, तो ये बात हमारे हम इस चीज को जो है वो कंसिडर नहीं करते। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि कंट्रोल वेरिएबल ट्रीटमेंट वेरिएबल कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो लेट्स मूव, जैसे मैंने कहा कि हम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, तो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली आपका एक होता है, यूजुअली इन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट आपका एक होना चाहिए कि क्या लोगों को हम जो है वो इनकम सपोर्ट दें तो क्या उनकी कैलरी इनटेक बढ़ जाएगी। तो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट सिंगल है, इनकम सपोर्ट। क्या फीमेल स्टूडेंट्स को ग्रेड 5, 6, 7 में स्टाइपेंड दें तो क्या सब कॉन्टिनेंट में उनका अटेंडेंस रेट बढ़ जाएगा। तो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट आपका जो पॉलिसी वेरिएबल है वो है स्टाइपेंड देना या ना देना। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हैं? कंट्रोल वेरिएबल हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो स्टाइपेंड देना, इनकम सपोर्ट देना, क्लास साइज कम करना, ये जो आपके पॉलिसी वेरिएबल्स हैं इनका करेक्ट कॉजल इफेक्ट मेजर हो जाए, वो अंडर या ओवर बायस्ड नहीं हो। मैं दोबारा से बात कर दूं, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए पॉलिसी वेरिएबल हमेशा यूजली हम अपनी रिग्रेशन मॉडल में सिंगल लेते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको क्यों शामिल करना होता है? वो इसलिए शामिल करते हैं कि आपके पास, ताकि जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है उसका ट्रू कॉजल इफेक्ट मेजर हो। कंट्रोल वेरिएबल कॉजल हो भी सकता है, नॉन कॉजल भी हो सकता है, तो उसकी नेचर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। उसका एरर से इंडिपेंडेंट होना शायद उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट का होना जरूरी होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो बेसिकली हम जो है वो एक, जैसे हम एग्जांपल वही लेंगे कि क्या क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर इंप्रूव हो जाता है। तो हमारी एजम्पशन ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू यू गिवन स्टूडेंट टीचर रेशियो इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि हमारे पास तो ऑब्जर्वेशनल डेटा है, हमने दोनों ग्रुप्स जो है स्मॉल और लार्ज वाले इन अदर फैक्टर्स वो सारे इक्वल नहीं है, तो अब ऑब्जर्वेशनल डेटा में अब हमारे पास एक वेरिएबल परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स हमने सोचा। परसेंटेज इंग्लिश लर्नर कॉजल वेरिएबल भी हो सकता है, बिकॉज जितने परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स वो कैलिफोर्निया स्टेट में ज्यादा होंगे उतना क्लास साइज जो है उतना टेस्ट स्कोर पुअर हो सकता है। एंड इट्स जो है वो कंट्रोल करना इसलिए भी इसको जरूरी है क्योंकि ये क्लास साइज से रिलेटेड है। जहां पे परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स ज्यादा है यूजली वहां क्लास साइजेस ज्यादा हैं। बट ये तो ऑब्जर्व हो गया। बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में देख लेते हैं, आउटसाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, क्लास से आउटसाइड जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब उसको कैसे मेजर किया जाए, तो ये क्वेश्चन है। अब तो इस तरह की, अब इसके लिए कोई, क्योंकि दिस इज लिंक विद इकोनॉमिक बैकग्राउंड, घर में पेरेंट्स बच्चे को होमवर्क करवाते हैं, जो स्लाइटली वेल ऑफ होंगे, जो थोड़े पढ़े लिखे होंगे वो बच्चे को होमवर्क में ज्यादा असिस्टेंस दे देंगे। तो अब ये सारे फैक्टर्स को हम मॉडल में तो नहीं ला सकते, ना इन पे डेटा होता है, तो अब हम इसके लिए कोई और वेरिएबल, और अगर इसको शामिल नहीं करोगे तो टेस्ट स्कोर जो है वो अफेक्ट होगा और ये ओमिटेड वेरिएबल्स हैं। तो अब इसका कोई हम एक
ऐसा वेरिएबल ढूंढते हैं जिससे कि किसी हद तक इकोनॉमिक बैकग्राउंड मेजर हो जाए। तो यूजुअली ये इन स्टेट्स में ही होता है कि वहां पे जो पुअर इनकम के लोग होते हैं उनको स्कूल्स में लंच ऑफर किया जाता है। तो फ्री लंच ऑफर करना इज एन इंडिकेटर कि बच्चे की इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो वीक है। अब देखिए तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रोल वेरिएबल डब्ल्यू जो है ये आपके पास एक वेरिएबल है जो कि वाई को डिटरमिन करता है, लेकिन उसका इटसेल्फ कॉजल वेरिएबल पे कॉजल इफेक्ट ऑन वाई नहीं होगा। यानी कि अगर लंच परसेंटेज हम लंच देना बंद कर दें, फर्ज करें लंच देने से वाई जो है टेस्ट स्कोर कम नजर आ रहा है, तो क्या लंच ना देने से वो बढ़ जाएगा? तो लंच देने ना देने से इन जनरल टेस्ट स्कोर पे फर्क नहीं है। तो आप देखें तो यहां पे हमने क्या किया है, तीन वेरिएबल्स लिए हैं, एक क्लास साइज है, एक परसेंटेज इंग्लिश लर्नर है, एक लंच ऑफर किया जाता है या नहीं किया जाता। तीनों के तीनों कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट है। आप देखें तो ये वेरिएबल इंक्लूड करने के बाद ये -1.10 की बजाय -1.0 रहा है, सिग्निफिकेंट फिर भी है। अगर ये सिग्निफिकेंट ना होता तो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका रोल नहीं रह जाना था इस मॉडल में। तो इसलिए हमने जब अदर ओमिटेड वेरिएबल्स ऐड किए इवन देन क्लास साइज इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल। मैं दोबारा से कह दूं हमारा मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्लास साइज का इंपैक्ट होता है टेस्ट स्कोर पे या नहीं। ये वेरिएबल्स हम इसलिए शामिल कर रहे हैं, जब हमने परसेंटेज इंग्लिश लर्नर और ये नहीं किए थे तो ये -2.28 था, जब ये किया तो ये -1.1 था, जब ये किया तो थोड़ा सा और कम हो गया है। अब देखिए परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स स्टूडेंट, तो इन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि इनका इफेक्ट हम अगर कॉन्स्टेंट होल्ड कर लें, एलिमिनेट कर दें, तो आपके पास टेस्ट स्कोर का पे क्लास साइज का क्या इंपैक्ट होगा। इसमें से कुछ की कॉजल इंटरप्रिटेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास -0.547 तो लंच परसेंट जिनको ऑफर किया जाता है, जिनको नहीं ऑफर किया जाता, तो अब ये सिग्निफिकेंट वेरिएबल है। लेकिन लंच अगर आप स्कूल जो है देना बंद कर देंगे तो उससे टेस्ट स्कोर बढ़ नहीं जाएगा। इट मीन्स कि इसकी कॉजल इंटरप्रिटेशन जो है वो शायद उस तरह से बनाना मुश्किल है, बट इसको अगर आप इंक्लूड नहीं कर रहे, इसको अगर आप इंक्लूड नहीं कर रहे तो बेसिकली इट मीन्स कि ये जो फैक्टर्स थे, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के फैक्टर्स थे, वो इंक्लूड नहीं हुए, तो वो बेसिकली ये आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट शायद यू से कोरिलेट कर जाएगा। तो अब आपके पास इफेक्टिव कंट्रोल वेरिएबल कौन सा होगा जिससे आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट एरर से इंडिपेंडेंट हो जाए, या यूं समझें कि वो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं यानी कि बाकी फैक्टर्स एक जैसे हो जाए, सिर्फ ये लगाए कि हमने क्लास साइज कम या ज्यादा किया तो उससे टेस्ट स्कोर पे क्या फर्क पड़ा एज इफ रेंडम। तो दिस इज हाउ वी मूव। तो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है इट शुड बी अनकोरिलेटेड विद द ओमिटेड डिटरमिनेंट्स ऑफ वाई। लेट्स मूव। ऑप्स अब आपके पास इसकी कॉजल इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने कहा कि नहीं है। इन जनरल ये नहीं होगा कि अगर मैं क्लास साइज लंच परसेंटेज लंच बंद कर दें तो टेस्ट स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इट्स डिफिकल्ट टू हैव इट्स कॉजल इंटरप्रिटेशन। बट इसको इग्नोर करने से क्या हो रहा है कि आपके पास जो है ये स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है शायद एरर टर्म से इंडिपेंडेंट ना रहे। तो ये देखिए इसका कोएफिशिएंट भी -1.10 से कम होके -1 आया, तो इट मींस कि इस वेरिएबल के ऐड करने से इसके कोएफिशिएंट की मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ रहा है। तो बेसिकली कंट्रोल वेरिएबल क्या चीज है,
कंट्रोल वेरिएबल वो चीज है जो कि वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को एरर से फ्री कर देता है और उसकी मैग्नीट्यूड को करेक्टली मैयर करने में हमें हेल्प करता है। जिसे मैंने कहा ये स्लाइटली फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, स्लाइटली टेक्निकल है, तो थोड़ी सी आपने रीडिंग भी करनी है। चैप्टर 7 स्टॉक एंड वॉटसन, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स, और साथ इसको आपने वीडियो को सुनना है केयरफुली। अब देखिए, तो बेसिकली कंडीशनल मीन इंडिपेंडेंस का मतलब ही यही है कि आपके पास जो है वेरिएबल है एक्स और डब्ल्यू आई, तो इट मीन्स यू डब्ल्यू के साथ तो कोरिलेट हो सकता है लेकिन यू का एक्स के साथ कुछ कोरिलेशन नहीं है। तो इसकी डेरिवेशंस वगैरह आप देखिएगा, मैं नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूं। तो ये आपके पास हम ये कह रहे हैं कि ये मैथमेटिकली क्या होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन एक्स डब्ल्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन डब्ल्यू आई, दिस विल हैपन ओनली इफ यू जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करे लेकिन यू डब्ल्यू के साथ स्टिल कोरिलेट कर सकता है। अब मैं यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, इससे पहले तक आपने कभी ये डिफ्रेंसिएशन नहीं की कि ये कंट्रोल वेरिएबल है ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है। आप सिंपली कहते हैं बेटा वन इज इफेक्ट ऑफ एक्स होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ डब्ल्यू कॉन्स्टेंट, बेटा टू इज चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन डब्ल्यू होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट। तो आप इन वेरिएबल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं आपको मैसेज ये दे रहा हूं कि जी एक्स जो है दैट इज योर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, ऑल अदर वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन द मॉडल ताकि एक्स का करेक्ट इंपैक्ट मेजर हो जाए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत दफा ये होता है स्टूडेंट्स थीसिस बनाते हैं तो उस थीसिस में क्या होता है कि वो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, वो बाकी वेरिएबल्स पे इतनी ज्यादा जो है वो जो है डिबेट शुरू कर देते हैं। बिजनेस में जो थीसिस होते हैं उसमें क्या करते हैं ये बेटा वन बेटा टू बेटा थ्री, अगर 12 वेरिएबल्स डाले थे 12 हाइपोथेसिस डाल दिए, विच मीन्स उनके लिए वो 12 के 12 वेरिएबल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। भाई अगर तो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो तो मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊंगा, लेकिन अगर आप पॉलिसी एनालिसिस में जा रहे हो तो योर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज वन। तो ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मैथ्स देखिएगा, कंडीशनल मीन इंडिपेंडेंस, तो उसका मतलब यही है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन एक्स एंड डब्ल्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन डब्ल्यू। बेटा वन को अनबायस्ड बनाता है जब आप जो है वो कंट्रोल वेरिएबल्स डाल देंगे, और बेटा टू जैसे मैंने कहा इज इन जनरल बायस्ड, यानी कि डब्ल्यू मे बी कोरिलेटेड विद यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन डब्ल्यू को जीरो नहीं हमने कहा, तो ये मे बी बायस्ड। तो इसलिए हमारी इंटरेस्ट ये है कि बेटा वन हैट इज अनबायस्ड। तो ये मैथमेटिक्स फर्दर देख लीजिएगा, लेट्स मूव। मैं इस वक्त जो है वो एक तो हाँ, अब दूसरा मेरा पॉइंट आ गया कि मॉडल स्पेसिफिकेशन कैसे करनी है। तो मॉडल स्पेसिफिकेशन करने के लिए हमें ये सोचना है कि कौन से पॉसिबल ओमिटेड वेरिएबल्स हैं। अब ओमिटेड वेरिएबल्स पॉसिबल कैसे सोचे जा सकते हैं, तो उसमें तीन चार चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं कि जी आपके पास जो है वो एक्सपर्ट नॉलेज क्या कहता है, इकोनॉमिक थीरी या सब्जेक्ट मैटर थीरी क्या कहती है, जो प्रीवियस स्टडीज हैं उन्होंने किन वेरिएबल्स को इंपॉर्टेंस दी है। बिसाइड दैट आप जो है वो आपको ये देखना होगा कि जी आपके पास जो है वो तो ये दो तीन बातें एक्सपर्ट नॉलेज, इकोनॉमिक थीरी और जो है वेरिएबल्स जो प्रीवियस स्टडीज में शामिल हैं। बट दिस इज योर बेस मॉडल, ये जो मॉडल वेरिएबल्स मिलेंगे ये जो मॉडल बनेगा। बट आपको पता है ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स नॉलेज और इकोनॉमिक थीरी के बेस पे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं उन पे डेटा शायद मिलना मुश्किल हो जाए। तो इन दैट केस वी गो फॉर अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशन। तो बेस स्पेसिफिकेशन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशन यू यूज के जी आपका मॉडल में इंप्रूवमेंट आ जाए। तो वो फिर किसी और कोर्स में किसी एडवांस लेवल पे आई टॉक अबाउट दैट कि जी एनकंपसिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो मॉडल स्पेसिफिकेशन में तो रेंज ऑफ प्लॉजिबल अल्टरनेटिव मॉडल्स, तो बेसिकली उसमें क्या है कि एडिशनल कैंडिडेट वेरिएबल्स पोटेंशियल वेरिएबल्स को आप शामिल करते हैं। तो उसके बाद फिर आप उनको जो है वो चेक करें
कि जी आपका कौन सा जो है वो सेंसिटिविटी चेक्स, ये बातें मैं किसी और टाइम पे करूंगा। सेंसिटिविटी चेक यही था कि देखिए वो स्टूडेंट टीचर रेशियो का कोएफिशिएंट एकदम से कम होता जा रहा है, तो कहीं ऐसे तो नहीं हुआ एक वेरिएबल डाला और वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो ये दैट्स कि आपका जो मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है उसका कोएफिशिएंट कितना जो है वो सेंसिटिव है, तो क्या वेरिएबल कैंडिडेट वेरिएबल जो इंक्लूड कर रहे हो वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। प्लीज 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 डोंट फोकस सिंपली ऑन मैक्सिमाइजिंग आर स्क्वेयर। क्यों, वजह क्या है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। क्या चीज है आर स्क्वेयर या एडजस्टेड आर स्क्वेयर, आपको सिंपली ये बताता है कि क्या जो वेरिएबल्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड वो वाई वेरिएबल को अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाई आर स्क्वेयर का मतलब है दे आर देर इज गुड एक्सप्लेनेशन इन वाई ड्यू टू दैट वेरिएबल, उसमें हमें शायद उतनी ज्यादा जो है वो कंट्रोल और उन चीजों की जरूरत नहीं हो। और लो आर स्क्वेयर का मतलब है कि जी वो अच्छे प्रिडिक्टर्स फोरकास्ट करने में उतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही। एडजस्टेड आर स्क्वेयर भी वैसी ही चीज है, सिर्फ स्लाइड सा आपको बताया कि जी एडजस्टेड आर स्क्वेयर डज नॉट नेसेसरी इंक्रीज बाय इंक्लूडिंग इररेलेवेंट वेरिएबल्स। यहां पर मैं दो तीन बातें बड़ी क्लियर कर दूं, चार बातें, कि हाई आर स्क्वेयर मीन्स कि जी रिग्रेसर्स जो है ये गुड प्रिडिक्टर्स हो सकते हैं वाई के लिए, दैट्स इट। दूसरी बात, हाई आर स्क्वेयर और आर बार स्क्वेयर दोनों, तो डज नॉट मीन दैट यू हैव एलिमिनेटेड ओमिटेड वेरिएबल बायस। हमने बात की थी पार्किंग लॉट, पार्किंग अवेलेबल आउटसाइड स्कूल्स, तो पार्किंग लॉट अगर ज्यादा होगी इन जनरल इसका मतलब है क्लास साइज बड़े हैं और सबर्ब से लोग ज्यादा आते हैं, तो डज इट मीन कि टेस्ट स्कोर बढ़ जाएगा, जबकि मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं आप टेस्ट स्कोर को पार्किंग लॉट पे रिग्रेस करोगे तो यू विल गेट रीजनेबल आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर क्योंकि क्लास साइज वहां पे जो है वो कोरिलेटेड है पार्किंग लॉट से, तो जब आपने टेस्ट स्टूडेंट टीचर रेशियो को नहीं डाला तो पार्किंग लॉट जो है दैट इज सर्विंग एज अ प्रेडिक्टर। तो देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड पार्किंग लॉट, बट दैट डज नॉट मीन कि जी आपके पास जो है वो उसमें ओमिटेड वेरिएबल बायस जो है नहीं है, तो इस वजह से आर स्क्वेयर ज्यादा आया है। सिमिलरली आर स्क्वेयर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है वो बीटा वन जो है वो आपके पास उसका कॉजल इंपैक्ट नहीं है या है, दोनों तरह से उसका ये मतलब नहीं है कि अगर लो आर स्क्वेयर है तो जी आपका जो वेरिएबल है उसका कॉजल इंपैक्ट नहीं है, आपको स्टेटिस्टिकली देखना है कि जी वो वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो सिमिलरली लो आर स्क्वेयर होना का मतलब ये नहीं है कमिटेड वेरिएबल बायस नहीं है। लास्ट एंड फाइनल थिंग कि आपके पास आप हाई आर स्क्वेयर का यह मतलब नहीं है कि आपने जो वेरिएबल्स इंक्लूड किए हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, उनकी सिग्निफिकेंस या जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग से है या इंडिविजुअल टी टेस्ट से है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि आर स्क्वेयर सो फार सो गुड एज इफ द पर्पज इज प्रिडिक्शन, इफ द पर्पज इज पॉलिसी एनालिसिस कॉजल एनालिसिस, तो प्लीज यू हैव टू फोकस ऑन मोर थिंग्स ऑन अदर थिंग्स instead of just focusing on R square, are trying to maximize R square. R वो जो AIC और BIC और SBC और FP, HQC वो जो criterias हैं वो भी इन्हीं की extension में हैं, तो just इनको maximize या minimize करने से आपके models का purpose, आपके उस analysis का purpose serve नहीं होगा। इन चीजों को जब आप ये जहन में रख के पढ़ोगे तो I hope it will help you a lot। तो इस video में आप देखिएगा जो आपको शायद कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज ना मिली हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा नीचे, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।